आज यूपी में काला दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। जिला मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन हो रहा है। उन्नाव की बेटी के लिए समाजवादी पार्टी काला दिवस मनाने का कल ही ऐलान कर चुकी है, जब पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ विधानसभा के बाहर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा था कि हम इसे काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। तो एक तरफ जहां पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के केंद्र से लेकर के राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्षी दलों के जरिए घेरी जा रही है कि ये कैसा कानून व्यवस्था है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जहां पर लोगों के दिलो दिमाग में कानून का जरा भी खौफ नहीं और वो जघन्य अपराध इस अंदाज में करते हैं मानो एक सामान्य सी घटना हो। ऐसे में क्या ये सिस्टम, क्या ये पुलिस प्रशासन सरकार का फेलियर नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार कैसे रखेगी योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर? और अब जबकि काला दिवस आज समाजवादी पार्टी मनाई जा रही है, एक तरफ जहां पर उन्नाव में पीड़ित परिवार गम और गुस्से के साथ में, हालांकि उनके साथ में वहां पर लोगों का हुजूम है, पूरा देश खड़ा हुआ है, मगर उस परिवार की फरियाद यही है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने के लिए उनके यहां पर नहीं आते हैं, इंसाफ की लड़ाई के लिए आश्वासन उनसे मिल करके नहीं देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद में इन पांचों आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है और इस सजा को अमल में नहीं लाया जाता है, तब तक वो अपनी मांगे लगातार उठाते रहेंगे और आज जब तक मुख्यमंत्री यहां पर आकर आश्वासन नहीं देते इन तमाम चीजों का, ये पीड़िता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।